हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। एनआईटी वारंगल में कुछ वैकेंसीज निकली है। ये वैकेंसीज जो है ये है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, फिर इसमें रजिस्ट्रार से लेके असिस्टेंट तक बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ओके, तो इन डिटेल मैं आपको ये पूरे वीडियो में बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन से पोस्ट है और किस तरह से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कुछ जो पोस्ट है, मतलब बहुत सारे पोस्ट है, वो परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। ओके, और कुछ डेप्यूटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ओके, उनका जो नोटिफिकेशन है आपको उनके साइट पे ऑलरेडी फ्लैश हो रहा है, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2021। ओके, तो चलते हैं अभी इनका जो मेन नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। इसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है, सबसे पहली बात तो अभी शुरू नहीं हुआ है। 23 तारीख से इसके फॉर्म आपको आप फिलअप कर सकते हैं 11 बजे से। जब इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो याद से आप रिमाइंडर लगा के ये चीज याद रखो। ओके, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और डेप्यूटेशन। तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो जिनका डेप्यूटेशन बेसिस ही होता है, कुछ ऐसे पोस्ट है जो रेगुलर बेसिस, मतलब रेगुलर जो परमानेंट पोस्ट है। ओके, तो चलते हैं अभी उनके वो पोस्ट की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया 11 पोस्ट है टोटल। तो फर्स्ट जो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर ग्रुप ए का पे लेवल 12, और एक पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, 6 पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर के, 2 सुपरिंटेंडेंट जो है सुपरिंटेंडेंट ग्रुप बी उसमें है लगभग 8 पोस्ट। उसके बाद में टेक्निकल टीए असिस्टेंट जो है 27 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर 8, एसएएस असिस्टेंट 3, उसके बाद में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के 2, सीनियर टेक्नीशियन के 19 और टेक्नीशियन के 34 और जूनियर असिस्टेंट के जो है वो टोटल निकले 19 पोस्ट। ओके, तो अभी चलते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और हर एक के लिए एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेक्शन पैटर्न अलग है, तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जैसे एक ही पोस्ट है ओपन के लिए, ये डेप्यूटेशन की है। ओके, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका। इसका आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, लेवल 2। ओके, उसके बाद में इसका जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमबीबीएस। ओके, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, यस प्रिफरली अगर आपका एमडी जनरल मेडिसिन में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए 5 साल का। ओके, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हो और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने वो एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल ऑफिसर लेवल 10 की पोस्ट पे या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट पे किया है, तो आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आप एमबीबीएस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यस सो उसके बाद में जो नेक्स्ट यस सिलेक्शन फॉर्म अमॉन्ग द कैंडिडेट्स, डायरेक्टली इसका इंटरव्यू होगा, कोई भी टेस्ट या कुछ भी नहीं होगा। ओके, बड़ी पोस्ट है। उसके बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये भी डेप्यूटेशन बेसिस ही होता है इसका भी। ओके, तो इसका जो है, सॉरी, इसका डेप्यूटेशन बेसिस नहीं, सिर्फ मेडिकल ऑफिसर का है। इसका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है वो 5 ईयर्स का रहता है। ओके, आप 5 साल तक सर्विस कर सकते हो एज अ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ओके, इन लेवल 10, एंड उसके बाद में आपका जो भी प्रमोशन वगैरह वो सब चीजें होती है। तो यस, लेवल 10 की पोस्ट। ओके, लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स है इनका भी। उसके बाद में इसमें 6 वैकेंसीज है ओपन के लिए, 4 SC 1 और OBC 1। तो डेप्यूटेशन मतलब डेप्यूटेशन तो नहीं है खैर, लेकिन इसका जो 5 ईयर का सर्विस है उसके बाद आपका एक्सेस मतलब एसेस किया जाएगा कैसा आपका परफॉर्मेंस है। मास्टर डिग्री चाहिए 55%, या फिर आपने सुपरिंटेंडेंट या वगैरह सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी आपने 2 साल तक काम किया तो वो भी चलेगा लेवल 9 पे। क्वालिफिकेशन इन एरिया ऑफ आपका मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग या फिर लॉ में होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ऑफिस सिस्टम का आपको नॉलेज चाहिए। उसके बाद में यस चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार फाइनेंस एंड अकाउंट्स। उसके बाद में एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया, तो 2 साल का अगर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है 8 लेवल 8 पे, या फिर 3 साल का आपका लेवल 7, या फिर 8 साल का आपका लेवल 6, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये प्रेफरेबल एक्सपीरियंस है, उनको प्रिफर किया जाएगा। इसका होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे इनका होगा, उसमें आपका कैसा होगा कि सिलेबस भी दिया 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स 0.5 विल बी डिडक्टेड, और ये रहा आपका टोटल सिलेबस। ओके, ये आपका टोटल है सिलेबस। ओके, द टेस्ट ड्यूरेशन विल बी 1 आवर, 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा। ओके, तो जो भी कट ऑफ क्लियर करेगा उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में तीसरी पोस्ट है, ये है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की, उसमें आता है इलेक्ट्रिकल और सिविल।
दोनों के लिए यहाँ पे एक एक वैकेंसी से लेवल 7 ओके पे ऑफ मैट्रिक से, उसके बाद में बीटेक आपका सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, 5 साल का, 5 साल का ओके आपको यहाँ पे यस होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट एज अ 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन लेवल 5 ओके एज अ जूनियर इंजीनियर, ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है आपको चाहिए वो, ठीक है 5 साल का। उसके बाद में जो भी सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स ओके शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली बोला जाएगा, कोई भी यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट नहीं है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस एक बार आप अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। बाद में सुपर इंटेंडेंट की जो पोस्ट है 4th, उसमें वैकेंसीज टोटल 8 है, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, लेकिन इस पे मत जाओ। इस पे अच्छी बात क्या है आपको मैं दिखाऊंगा वो भी, कि 2 साल तक आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा और आपको रेगुलर या फिर परमानेंट बेसिस जो हम बोलते हैं उसके लिए आपको एप्लीकेबल किया जाएगा ओके। तो यस सिलेक्शन होना आपके हाथ में, आपको अच्छा परफॉर्म करना आपके हाथ में, और उसके बाद में आप फिर उसमें रेगुलर या परमानेंट पोस्ट हो जाएगी ओके। इसमें आपका मास्टर डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में चाहिए, अगर आप मैनेजमेंट लॉ से हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद में ई ऑफिस का आपको नॉलेज चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट वगैरह वो सारी चीज़ें तो खैर आ ही जाती है। प्रेफरेबल एक्सपीरियंस जो है अगर यस 6 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस लेवल 5 या फिर 10 ईयर्स लेवल 4, इसका भी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 0.5 आपका निगेटिव मार्किंग, ये रहा आपका सिलेबस, 1 आवर, 1 आवर का आपका जो टोटल टेस्ट होगा ओके। यस बाद में सिलेक्शन फ्रॉम द अमॉन्ग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट ऑन नोटिंग ड्राफ्टिंग ड्यूली इनकॉर्पोरेटिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेवेंट रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द टॉपिक्स गिवन बाय द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। उसके बाद में आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा ओके। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 3 आवर्स, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन एट NIT वारंगल। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, इसमें दोनों आपके जब हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन मतलब मेरिट लिस्ट लग गया। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट है जो बहुत ज्यादा पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें आपका क्या चाहिए, ये यहाँ पे भी आपको यहाँ पे लिखा है कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये कि आपका परमानेंट, उसके बाद हो सकता है आपकी जो भी परफॉर्मेंस होगी। 27 पोस्ट है, अपने कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करो। इसमें जो है बीटेक आपका सिविल बायोटेक्नोलॉजी मेटलर्जिकल बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल, तो इसमें बहुत सारे सिविल, इसमें बहुत सारे पोस्ट है केमिकल ओके, बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारे आपका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अच्छा है, फर्स्ट क्लास MCA तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, MS मास्टर डिग्री आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस ओके डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स एनालिसिस प्लानिंग एक्वायरिंग मेंटेनेंस मेंटेनिंग द इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद में प्रेफरेबल जो इसका एक्सपीरियंस है वो है आपका अगर 6 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका लेवल 5 या फिर लेवल 4 पे आपका 10 साल का होगा तो प्रेफरेबल आपका ये होगा एक्सपीरियंस। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 सिंपल आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आएंगे साइंस जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स पे। द 2 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ईच एंड 0.5 विल बी डिडक्टेड। उसके बाद में एडवांस टेस्ट होगा ओके, तो एडवांस टेस्ट वो होगा गेट पैटर्न पे, हर एक के ब्रांच वाइज 50 मल्टीपल क्वेश्चंस, 2 घंटे ओके। उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन अ स्टेज 2 एंड कैंडिडेट्स विल फर्दर शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द कट ऑफ मार्क्स एज वी बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट ओके। सो ये सारी चीजें, उसके बाद में स्टेज 1 एंड स्टेज 2 विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल सेशन एज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड द टेस्ट विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन। रिस्पॉन्स शीट ऑफ स्टेज 2 विल बी इवेल्यूएटेड ओनली अगर आप फर्स्ट क्वालिफाई करते हो, फर्स्ट ही क्वालिफाई नहीं है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, अगर आप फर्स्ट क्वालिफाई तो सेकंड आपका चेक होगा और सेकंड के ऊपर आपका आगे की शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपका होगा स्किल और ट्रेड टेस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर आफ्टर सेकंड स्टेज, आपका ईच ब्रांच सब्जेक्ट के हिसाब से ओके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल एंड द ट्रेड टेस्ट वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन स्टेज 2, जनरली इन ऑर्डर 4 to 5 टाइम्स आपको वो चांस, मतलब फोर जितने वैकेंसी होंगे अगर 10 है तो 40 से 50 तक वो सिलेक्ट हो सकते हैं।
ओके सो ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन गो नो गो बेसिस दैट इज इफ इट विल बी ट्रीटेड एज अ क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर कंसिडरिंग एम्पैनलमेंट accordingly candidates clearing the trade test and skill test will be shortlisted and then order of merit आपका final लगेगा इसमें भी interviews नहीं है junior engineer का जो post है civil और electrical के लिए है 8 vacancies है 30 साल का आपका age होना चाहिए ये भी permanent post ही है okay 2 साल का आपका initial contract होगा उसके बाद में permanent हो जाएगा okay तो इसका भी preferable experience तो खैर अभी सभी में मांगा ही है ओके लेकिन आपका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप अप्लाई कर सकते हो इसमें भी कोई ऐसा इसेंशियल आपका जो एक्सपीरियंस है वैसा कुछ मांगा नहीं है इसमें भी आपका तीन अलग स्टेज में होगा सेम पैटर्न है प्रिलिमिनरी ओके उसके बाद में एडवांस टेस्ट जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट तो वही चीजें यहाँ पे भी है सेम पैटर्न ओके सेम पैटर्न पे होगा ओके कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा उसके बाद में स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एसएएस असिस्टेंट जो है इसका तीन पोस्ट है आपका फर्स्ट क्लास इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए बाद में आपका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स ड्रामा में आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके बाद में एक्सपीरियंस ओके नॉट क्वालिफिकेशन उसके बाद में इसका भी जो एग्जाम होगा वो सेम होगा बस इतना है कि आपका यहाँ पे गेट नहीं रहेगा इसमें आपका एडवांटेज में आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच और सब्जेक्ट के हिसाब से लिया जाएगा और उसके बाद में आपका स्किल और जो भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ओके ट्रेड नहीं बोल सकते हम इसको तो उसके बाद में आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद में लाइब्रेरी एल ए लाइब्रेरी असिस्टेंट या फिर हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट दो वैकेंसीज है फर्स्ट क्लास आपका साइंस आर्ट कॉमर्स में अगर बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई करो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन या नेटवर्किंग तो आप अप्लाई कर सकते हो प्रिफरेबल किया जाएगा जिन्होंने काम किया ऑलरेडी 6 ईयर एक्सपीरियंस लेवल 5 10 ईयर एक्सपीरियंस लेवल 4 इसमें भी आपका सेम होगा प्रिलिमिनरी 1 जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 और आपका होगा स्किल टेस्ट ओके सेम इसमें भी इंटरव्यू नहीं बाद में सीनियर टेक्नीशियन अभी सीनियर टेक्नीशियन का जो पोस्ट है 19 पोस्ट है लगभग कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का उसके बाद में परमानेंट हो जाएगा 33 ईयर्स इसका एज डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन आईटी इसमें आपका हुआ है अगर आपका इंजीनियरिंग भी हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो उसके बाद में एक्सपीरियंस एक बार चेक कर लो डिजायरेबल कौन सा चाहिए ताकि आपको प्रेफरेंस वो लोग दे दे तो इसमें भी खैर इसमें इंटरव्यूज है नहीं तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रिलिमिनरी टेस्ट उसके बाद में एडवांस टेस्ट और उसके बाद में आपका ट्रेड और स्किल टेस्ट ओके सेम पैटर्न टेक्नीशियन अभी वो डिपेंड करता है आप कौन से पोस्ट पे अप्लाई करो उस हिसाब से डिफिकल्टी ऑफ लेवल एग्जाम होगा टेक्नीशियन सबसे ज्यादा वैकेंसी 34 इसमें भी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा या फिर आईटीआई जैसे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डीएमएलटी प्रोटोग्राफी या फिर ऑटोमोबाइल ट्रेड में हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो उसके बाद इसका भी वैसा ही होना है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेज जूनियर असिस्टेंट लास्ट पोस्ट 19 वैकेंसीज है 2 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद परमानेंट इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड मिनिमम टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट आपका होना चाहिए बाकी आपको नॉलेज चाहिए ऑफिस का एज क्राइटेरिया सबका एक बार चेक कर लेना इसका 27 है ओके तो आपका अगर आप कास्ट में हो तो रिजर्वेशन पकड़ के आप चलो ओके आपका रिजर्वेशन कास्ट में अगर आते हैं आप तो यस इसका जो है इसका ऐसा होने वाला है कि लेवल 1 एंड लेवल 2 विल बी कंडक्टेड इन सिंगल सेशन ओके तो इसमें पहला जो होगा सेक्शन इसमें 50 क्वेश्चंस अगेन और इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा आपका ओके उसमें आपका इस ऐसे राइटिंग बाद में ग्रामर वगैरह सब चीज़ें चेक की जाएगी वही रहेगा उसके बाद में आपका शॉर्ट लिस्टिंग 2 स्टेज में हो जाएगा फॉर जूनियर असिस्टेंट तो ये सारी पोस्ट के लिए मेरे ख्याल से मैंने सारे पोस्ट के लिए क्राइटेरिया क्लियर कर दिया है कैसे आपका सिलेक्शन होना है किस तरह से आपको अप्लाई करना है ओके उसके बाद में यस रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है जहाँ पे आपका ओबीसी के लिए अप्लाई करो +3 पकड़ो और अगर आप एससी एसटी है तो +5 आप काउंट करके उसको अप्लाई कर सकते हो एज में ओके तो यस ये सारी चीज़ें थी उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है 1000 रुपीज़ फॉर यू आर एंड ओ बी सी ओके फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और 3 से 11 जो है उसके लिए है आपका 500 ओके एस सी एस टी वुमन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है ओके उसके बाद में अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट ढंग से पढ़ लो तो खैर मैंने बहुत सारी चीज़ें तो आपको बता दी है यस वेटिंग लिस्ट भी इसका लगेगा क्योंकि
ऐसा है कि इसमें इंटरव्यूज नहीं है, बहुत सारे पोस्ट के लिए इंटरव्यूज है ही नहीं, तो आपका जो भी मेरिट लेगा उसमें वेटिंग लिस्ट हो सकता है, कोई कैंडिडेट्स नहीं उसको ज्वाइन करना होगा या फिर डॉक्यूमेंट उसके क्लियर नहीं होंगे, तो आप ये चीज़ ध्यान रखो। उसके बाद में यस, इसमें ये भी दिया है SC ST आउटस्टेशन कैंडिडेट्स कॉल फॉर रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट इंटरव्यू ओके पेड टू और फ्रो यस ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑफ सेकंड क्लास स्लीपर आपको दिया जाएगा ओके रूट एज पर रूल्स ओके सो ट्रेनिंग अलाउंसेस ट्रैवलिंग अलाउंसेस इज नॉट परमिसेबल टू दोज SC ST कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन द सेंट्रल। हाँ, अगर आप पहले से आप सेंट्रल या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको नहीं मिलेगा, उनको ही मिलेगा जो नहीं है अभी कहीं पे भी इनमें से अलग अलग ऑटोनोमस बॉडी या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अगर आप नहीं हो तो आपको मिलेगा। SC ST कैन सबमिट द TA फॉर्म, वो सब चीज़ें तो खैर हो जाएंगा आपका जब आप पहुंचोगे। यस, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने आपको हमेशा बताया हो कि ये परमानेंट पोस्ट क्यों है, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट फ्रॉम 3 to 10, तो पहले दो पोस्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वो चीज़ आप ध्यान में ना रखो, इनिशियली अपॉइंटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 ईयर्स ओके द कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिलीवरी रिलेटेड और आउटसोर्सिंग नहीं होगा। उसके बाद में ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द पे ऑफ द एम्प्लॉयज विल बी फिक्स एज पर द पे लेवल ऑफ द पोस्ट, जैसे आपका बाकी उनके पे लेवल होगा वैसे ही आपको मिलेगा। अभी द परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज अपॉइंटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी एसेस्ड बाय अ ड्यूली कंस्टिट्यूटेड कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर ओनली ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस वर्क एंड कंडक्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दे विल बी अपॉइंटेड एज अ परमानेंट। और परमानेंट जब होते हो आप तो 1 ईयर आपका प्रोबेशन होता है, इनकेस फेल्यूर तो आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ओके 2 साल के बाद। उसके बाद अप्लाई करने के लिए लिंक ऑलरेडी मैंने बता दिया, 23 तारीख को मैं यही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे पहले आप ये रेडी करके रखो कि आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन से पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरने हैं, और आपका जो एग्जाम पैटर्न है उस हिसाब से आप अभी से इसका पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन, ओनली वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट, कैंडिडेट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इफ दे वॉन्ट टू अप्लाई मोर। तो आप अभी इसमें मतलब जिसमें मैंने देखा है तो अभी डिप्लोमा डिग्री बहुत जगह पूछा है, तो आप 2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 3 के लिए भी, कितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेपरेट एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है। फोटो आईडी, फोटो चाहिए आपको, सिग्नेचर चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो ये चीज़ें ऑलरेडी आप मतलब यस रेडी रखना। सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन, तो जो सही है वही भरो, क्योंकि आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप आगे वहाँ पे अप्लाई ना कर पाओ ओके। तो यस, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अभी क्लियरली बता दी है ओके। तो यस, इसका लिंक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक करो ओके, नोट डाउन करके रखो, 23 तारीख को याद से फॉर्म भरो, लिंक डिस्क्रिप्शन में तब मैं डाल दूंगा। बाकी सारे प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब ओके, सो सब्सक्राइब करो ताकि आप आपके तक वो सारे इंटीमेशन जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे ओके। सो थैंक यू ऑल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ऑल द बेस्ट।